झारखंड में कुणबी समाज खुद को एसटी सूची में शामिल कराने को लेकर के लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। इस दिशा में लगातार रेल रोको आंदोलन चला है। रांची से लेकर के दिल्ली तक ये अभियान चलाया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुणबी नेता शीतल ओहदार जी, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या कुछ कार्य योजना है और आज पुराने विधानसभा परिसर में कार्यक्रम भी रखा गया, उसका क्या उद्देश्य है, कौन लोग शामिल होंगे और क्यों शामिल होंगे। शीतल जी, क्या कार्यक्रम है आज का? आज झारखंड प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाया गया है। जितने भी संगठन कुर्मी नामधारी, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सभी के प्रतिनिधियों को, केंद्रीय कमेटी का जितने भी हैं सभी को बुलाया गया है और चरमबद्ध तरीके से जो आंदोलन चल रही है उसको और कैसे धारदार तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसका रणनीति हम लोग बनाएंगे। पिछले दिनों बंगाल में 5 दिन रेल रुका गया और उसके बाद रोड भी जाम किया गया, उसके बावजूद अभी सरकार में किस तरह का कोई हलचल नहीं है, उसी को देखते हुए हम लोग आगे का रणनीति बनाएंगे और संभावना है कि आर्थिक नाकेबंदी का घोषणा होगा या फिर बड़ा रैली का घोषणा होगा। विशेष तौर पे हम लोग आर्थिक नाकेबंदी सरकार को भी दबाव देने का हम लोग प्रयास करेंगे और इसमें भी सरकार अगर नहीं मानती है तो 24 में चुनाव है, बहुत नज़दीक है, जैसा कि विशेष तौर पे हम लोग का मांग है भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, अभी केंद्र सरकार है। अगर सरकार ये मांग को नहीं मानती है तो हम लोग आने वाले दिन में जो उनका सपना है कि झारखंड में 14 में 14 लोकसभा सीट जीत के जाएंगे, हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, हम लोग 4 सीट भी उनको जीतने नहीं देंगे। ये जो आर्थिक नाकेबंदी और ये आंदोलन की बात हो रही है, झारखंड के संदर्भ में हो रही है, दूसरे राज्यों को मिलाकर के? ये आज का जो बैठक है झारखंड के संदर्भ में ही सारा बुलाया गया है और पिछले दिनों आप देखे बंगाल को लेके वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन आज का बैठक और जितने भी संगठन, लगभग 17-18 संगठन जो हैं, 17-18 संगठन जो सामाजिक संगठन जो चलाते हैं कुर्मी के नाम पे, सभी लोग के प्रतिनिधि लोग आज यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और सभी मिल के रणनीति बनाएंगे बड़ा आंदोलन का। इस मांग को लेकर के, एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर के, जेएमएम का, कांग्रेस का, बीजेपी का जो स्टैंड है उसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमेशा जेएमएम का अगर कहिए तो जेएमएम तो हमेशा साथ रहा है। शुरू से जब विनोद बाबू थे उस समय जेएमएम का संविधान में इसको दर्शाया गया है कि जब कभी हम सत्ता में आएंगे तो कुर्मी को एसटी में शामिल कराएंगे। आज भी जेएमएम का सपोर्ट है, जेएमएम की तरफ से सपोर्ट है, ये मूल रूप से भारत सरकार के हाथों है। 2004 में ही अर्जुन मुंडा ने अनुशंसा करके भारत सरकार को दिया था कि इसको फिर से एसटी सूची में सूचीबद्ध कर लिया जाए कहके, और तब से आज तक उसको भारत सरकार के यहाँ ही लटका हुआ है। हम लोग प्रयास पिछले दिनों दिल्ली में हुड़का जाम हुआ था, बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी कोशिश किया गया था, भारत सरकार जनजातीय मामले का मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने संज्ञान में लिया था और उसको आगे बढ़ाने का पूरा भरोसा दिया था, लेकिन जब बजट सत्र चला उसमें हम लोग को एक उम्मीद था कि बिल आएगा लेकिन नहीं आया है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं भारत सरकार से वार्ता के माध्यम से कि उसको बिल लाया जाए और आंदोलन के माध्यम से भी हम लोग भारत सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस के स्टैंड किस तरह लगता है? कांग्रेस के समय ही हमको हटाया गया था, है ना, और कांग्रेस अभी तो एक टीम बनाई थी कि झारखंड के कुर्मियों को एसटी में शामिल करने का एक टीम बना के उसका जितना जो है सारा चीज दस्तावेज है उसको व्यवस्था करके उनका शीर्ष नेताओं को देने का काम किया है, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कुछ जवाब नहीं आया कि उन्होंने जो रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट में क्या उन्होंने ये किया। अच्छा, ये जो पिछले दिनों जगन्नाथ का देहांत हुआ उसके बाद से खालीपन है, उसके बाद ये पहली बैठक है, तो क्या उस खालीपन को भी दूर करने की कोशिश है, कुछ ऐसे नेताओं को आपको सत्ता में शामिल कराने की कोशिश है ताकि सत्ता के अंदर आपकी आवाज़ मौजूद रहे? देखिए, जगन्नाथ दा का नहीं रहना हम सभी कुर्मी समाज के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है। ऐसा कदावर नेता हम लोग फिर दोबारा नहीं पाएंगे, उसके लिए बहुत बड़ा हम लोग के लिए दुख की बात है। और अभी ये कोई उनके देहांत के बाद पहला बैठक समाज का हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई हम लोग उस मैटर उस मामले पे हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए उसमें भरपाई ये करने की नहीं करने की, वो तो बात की बात है, वो तो जिस तरह पार्टी लेवल में थे पार्टी जैसा निर्णय लेगा उस तरह बाद में समाज अपने अनुसार से निर्णय लेगा। अच्छा, जो झारखंड में छात्रों के लिए रोजगार को लेकर जो नियोजन नीति बनी है उसका बड़ा मुखालफत विरोध हो रहा है, कल साथ जो छात्र हैं वो मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहे हैं, फिर झारखंड बंद का भी कॉल किया गया है, इससे किस रूप में देखते हैं नियोजन नीति को लेकर, रोजगार को लेकर, छात्रों के आंदोलन को? देखिए, छात्र का जो आंदोलन है एकदम जायज है, जो मांग कर रहे हैं, लगभग सरकार आई थी तो लगा था कि यहाँ रोजगार बहुत अच्छी तरह का से रोजगार का सीजन होगा, रोजगार छात्रों को मिलेगा, पहले से लोग लड़ाई लड़ रहे थे नहीं हो रहा था, तो ये सरकार आई तो उम्मीद था कि मिलेगा, लेकिन इन्होंने तो और उल्टा काम किया।
जो मिलता था उसको भी इन्होंने बंद करने का काम किया है। और अभी जो 60-40 का जो ये लोग नीति लाया है, इसको हम लोग भी नहीं मानते हैं। पूरा समाज, जो छात्र जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ, पूरे झारखंड का कुर्मी समाज उनके साथ है और उनका हर आंदोलन में हम लोग सब उनके साथ हैं। झारखंड बंद को या मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम का समर्थन है आप लोगों को? बिल्कुल, छात्र का जो भी आंदोलन है उसको कुर्मी समाज की तौर से हम लोग उनको समर्थन करते हैं। ठीक है, आपने सुना किस तरह से शीतल वहदार जी ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी की भी नौबत आ सकती है अगर उनको एसटी सूची में शामिल नहीं किया जाता है तो। हालांकि ये पूरा मामला केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार को ही डिसीजन लेना है कि कुर्मी समाज को कैसे एसटी में शामिल किया जाए। जहाँ तक छात्रों के आंदोलन का सवाल है तो उसे पूरा कुर्मी समाज कहीं ना कहीं सहयोग कर रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को, मुझे यानी शहनवास को और हमारे सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह खाने में कूदे और फुलटुस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं, अरे बोल रहे हैं कि टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, तिस्का मोड़, रांची।